तो हेलो भाई लोग, आप लोग कैसे हो? मैं हूँ प्रिंस और आप देख रहे हो प्रिंस गेमिंग पार्लर। अगर चैनल पे नए हो तो लाइक करो, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन जरूर दबा लेना ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे फटक से पहुंच जाए और आप हमारे ऐसी वीडियोस को सबसे पहले वॉच कर सको। तो चलिए फ्रेंड्स, करते वीडियो को स्टार्ट और देखते हैं वीडियो में क्या है खास। तो फ्रेंड्स, आज मैं फैलिड फेरल पॉक्स को लूटने वाला हूँ जो कि इलाइट पास का न्यू सीज़न में एक आया है। जैसे पहले आया था ट्रीजर पॉक्स के टाइप पे, तो अभी आया है फैलिड फेरल बॉक्स के टाइप पे। तो मैं जिस लोकेशन पे जा रहा हूँ, मैं आपको दिखाऊंगा मैं किस तरीके से उस बॉक्स को लिया और कैसी फाइट हुई। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अभी जाऊँगा मैं दूसरी लोकेशन पर, क्योंकि उस लोकेशन पर अभी मैं इसलिए नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ बहुत फाइट होगी, तो इससे पहले मुझे अच्छी खासी लूट करनी पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, मैं आ गया दूसरे लोकेशन पे और मुझे लेना है क्या, तो क्योंकि पहले फाइट होगी तो उससे लड़ना पड़ेगा ना। तो मैं आया और मैं दूसरी लोकेशन से अपना बंदूक वगैरह जितनी भी चीज़ थी फाइट करने की मैं लिया, क्योंकि बंदूक के बिना फाइट नहीं हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अरे ये लो, और मेरा फेवरेट बंदूक मिल गया, M1887 का। तो मैं हम फैन है फ्रेंड्स, तो आप जानते ही हो अगर मैं फ़ैन हूँ, मेरा बहुत अच्छा लगता है क्योंकि M1887 मिलते ही मेरे अंदर बहुत खुशी हो जाती है क्योंकि ये गन मेरा फेवरेट है। तो फ्रेंड्स, आप लोग का कौन सा गन फेवरेट है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और मुझे मेरा तो फेवरेट गन मिल गया है तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। तो मुझे अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मेरा फेवरेट गन है तो मुझे कोई बंदा नहीं मार सकता है, मार सकता है लेकिन कुछ हद तक तो मैं अपना बचाव कर सकता हूँ और बंदे को किल कर सकता हूँ। तो मैं निकला दूसरे लोकेशन के साथ थोड़ी बहुत लूट वूट करने के लिए, क्योंकि लूट के बिना तो मैं अभी जाऊँगा नहीं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा गंदा वाला फाइट चल रहा होगा, तो उस फाइट में मैं नहीं जाऊँगा, अगर जाऊँगा तो मैं मर जाऊँगा। इसलिए तो फ्रेंड्स, ये मेरी फर्स्ट वीडियोज है, तो अभी थोड़ी EPHP को एकदम फुल कर लूँ ताकि कोई बात नहीं, डेंजर जोन भी आए तो दिक्कत नहीं होगा, और अच्छे से मैं उस फैलिड फेरल बॉक्स को फट कलेक्ट कर सकूँ। कोई दिक्कत नहीं, कोई फाइट नहीं, नो फाइट, एकदम दंगा दंगी नहीं मुझे चाहिए, मुझे एकदम क्लीन चाहिए। तो मैं फटाफट लूट कर रहा हूँ, मुझे ग्लोवल मिल गया, बहुत सारा कुछ ऐसा मिल चुका है जो कि अब मैं जा सकता हूँ, लेकिन अभी भी नहीं, थोड़ी बहुत और घूम लूँ ताकि जिसको भी लेना होगा वो अपना पहले जा कर के लेगा और हम थोड़ी लेट में लेंगे लेकिन अच्छे से लेंगे, कोई फाइट नहीं करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स, और आगे बढ़ के मैंने देखा कि चलते चलते मैं शायद कहाँ पे आ गया, CP8 पे। तो CP8 पे मैं थोड़ी बहुत फिर यहाँ पे लूट करने लगा, क्योंकि लूट तो करनी पड़ेगी, जब तक डेंजर जोन नहीं आते तब तक तो थोड़ी बहुत लूट करनी पड़ेगी, इसलिए मैं थोड़ी बहुत लूट कर रहा हूँ। तो आप भी ऐसे ही करना फ्रेंड्स, क्योंकि अगर आप उस लोकेशन पे फटक से चले जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे बंदे उतरते हैं, तो शायद आप उस बॉक्स को नहीं ले पाओगे। तो फ्रेंड्स, थोड़ी बहुत पहले लूट कर लेना और जिसको चाहिए उसको लेने देना, क्योंकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है आप कब लो नहीं लो, है ना फ्रेंड्स, तो आप सेफली ले सकते हो। तो मैं जिस तरीके से जा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप भी उसी तरीके से जाना, आपको भी बहुत ही ईजी तरीके से वो फेरल बॉक्स मिल जाएगा। तो क्या मस्त बॉक्स है फ्रेंड्स, तो देखते हैं क्या है अगली बार की इलाइट पासबुक में। वो जो आया था ट्रेजर बॉक्स, वो भी लूटने में बहुत मज़ा आया था। तो फ्रेंड्स, क्या लगता है आपको, ये वाली हमेशा के लिए रहना चाहिए लूटने वाली, ये ट्रेजर बॉक्स टाइप की, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ये वाला, आपको कैसा लगा तो कमेंट में ज़रूर बताना फ्रेंड्स, क्योंकि ये वाली ट्रीजर बॉक्स को ढूंढने में ओ मज़ा आता है यार, बहुत ही गजब मज़ा आता है, ढूंढते रहो एकदम, थोड़ी बहुत फाइट करके एकदम ढूंढना उसको, बहुत ही अच्छा लगता है फ्रेंड्स। आपको कैसा लगता है, ये होना चाहिए या नहीं? मेरे हिसाब से तो होना चाहिए क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है वो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखते, अरे मुझे पड़ा था थोड़ी बहुत, शायद मुझे, हाँ एक बंदा दिख गया, अब शायद मैं उसको मारना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी है, मुझे मारना पड़ेगा, तो आ गया है मेरी फेवरेट गन से लड़ने को। तो देखते हैं फ्रेंड्स क्या होता है, मैं उसको मारता हूँ या फिर वो मुझे मारता है। तो ये मेरा एक डैमेज पड़ा उसको,
और ये आया मैं उछल के दिया। ओ भाई कोई बात नहीं, मरना तो पड़ेगा भाई। तो चलिए फ्रेंड्स, मैंने एक किल कर दिया जो कि नहीं करना चाहता था लेकिन करना पड़ा, तो कोई बात नहीं, मुझे एक किल मिल गया है। तो मैं फटक से मेडकिट लिया, उसके बाद अभी मैं थोड़ी बहुत यहाँ से कुछ ले लूँ ताकि आगे मेरा काम आने वाला है। तो फ्रेंड्स चलेंगे, थोड़ी बहुत पहले लूट कर लेते उसके बाद इसका भी। तो फ्रेंड्स आप लोग जल्दी जल्दी मत करना, थोड़ी बहुत थोड़ा टाइम तो जरूर लगाना ताकि वहाँ से जिसको भी लेना होगा, जिसको फाइट करना होगा वो फाइट करेगा, जिसको ट्रीजर बॉक्स लेना पड़ेगा वो तो लेगा ही। तो आप लोग थोड़ी स्लो करके जाना ताकि वहाँ के बंदे खत्म हो जाए। और फ्रेंड्स ईपी जरूर भर लेना ताकि क्या पता अगर डेंजर जोन आ गया तो फिर सॉरी डेंजर जोन ग्रीन जोन जो आ गया तो कोई दिक्कत नहीं हो आपको। आप इजिली, आपके पास अगर ईपी रहेगा तो फर्स्ट जोन है, कोई दिक्कत नहीं होगा, आपका ईपी खर्च होगा, एचपी तो बचा रहेगा, तो बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं ईपी खोजने की कोशिश करा तो मुझे शायद हाँ एक छोटी वाली ईपी मिल गई है, कोई बात नहीं है, छोटी वाली भी बहुत है मेरे लिए। तो मैं आगे बढ़ा, जैसे आगे बढ़ते रहा तो यहाँ पे अभी तो एक बंदा नहीं है, यहाँ पे शायद बंदा नहीं था, तो बंदे नहीं है तो अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो मुझे बहुत मज़ा आया, अच्छी बात है कि बंदा नहीं है। तो चलो मैं शायद एक और ईपी मुझे मिल गया था शायद छोटे वाली, तो मुझे और अच्छा लगा कि चलो भाई थोड़ी बहुत तो ईपी भर रहा है ताकि डेंजर जोन पीछे आ ही रहा है। आप देख ही सकते हो ग्रीन जोन आ रहा है पीछे एकदम तेजी से, बट लेकिन फर्स्ट वाला ग्रीन जोन से कोई दिक्कत नहीं है आपको फ्रेंड्स। ईपी भरा है तो दिक्कत नहीं है, एकदम बिंदा सब रह सकते हो वहाँ पे। तो मैं जैसे आगे बढ़ता रहा और मैं किस टाइप से जाऊँगा उस लोकेशन पे वो देखना फ्रेंड्स, क्योंकि मुझे पता है वहाँ से सारे लोग बंदे भग गए होंगे, वहाँ से जिसको भी जिसका लेना होगा ना वो लेकर के सीधे भग गए होंगे। तो फ्रेंड्स मैं एकदम अच्छे तरीके से इस पीछे वाले डबल डोर है उसके साइड से मैं जा रहा हूँ ताकि मैं डायरेक्टली वहीं पर पहुँच जाऊँ। तो मैं वहीं पे पहुंचने के लिए बस यहाँ पे थोड़ी बहुत डेंजर जोन का सामना करना पड़ा, ग्रीन जोन का सामना करना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो करना पड़ेगा। वो फेरल क्या बोलते वो भी कुछ भी, तो वही बॉक्स के लिए फैलड फेरल बॉक्स के लिए मैं थोड़ी बहुत तो करना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं फ्रेंड्स, तो बहुत ही मज़ा आया क्योंकि ये बॉक्स आप भी अगर आपको भी मिलेगा, आप भी ऐसे करके लोगे तो बहुत ही मज़ा आएगा आपको। और फ्रेंड्स हाँ एक और बात है, इन हीलर जरूर रखना फ्रेंड्स, 6-7-8 इन हीलर जितना मिले आप उतना रख लेना ताकि इन हीलर ईपी का काम आ जाता है फ्रेंड्स, तो दिक्कत नहीं होगा आपको। अगर ईपी नहीं है तो इन हीलर से आप ईपी बढ़ा सकते हो, बहुत ही अच्छी बात है। तो मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ता रहा, तो मुझे पता है कि डायरेक्ट इसी लोकेशन पे है क्योंकि मैंने देख चुका हूँ, तो मैप पे मैं पूरा देख लिया, तो ये पूरी से सीधे डायरेक्ट लोकेशन पे है। तो फ्रेंड्स मैं उस लोकेशन के पास ही जा रहा हूँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे गौर से देखना ताकि आप भी फटाक से फर्स्ट बार में ही आपको ये ट्रीजर बॉक्स मिल जाए। तो चलते हैं फ्रेंड्स, मैं गया ऊपर और ऊपर जाने के बाद मैं जैसे ही ऊपर बढ़ा तो लोकेशन तो शायद यही है, मैंने पूरा कंफर्म है कि लोकेशन यही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे मैं आगे बढ़ा तो देखा अरे एक बंदा पहले से वहाँ पे खड़ा है, तो मैं उसको फाइट नहीं करना चाहता है फ्रेंड्स, मतलब मैं उनको फायर नहीं किया क्योंकि अगर उनको फायर करता तो शायद वो भी मुझे फायर करता, इससे अच्छा मैं फायर नहीं किया। इसमें समझदारी है कि वो अपना काम कर रहा है, उसको भी ट्रेजर बॉक्स चाहिए, वो भी ट्रेजर बॉक्स लेके चल जाएगा तो फिर मैं लूँगा। तो वो शायद चला गया, बाइक से आया था, अपना बाइक लेकर के चला गया। तो मैं देख रहा हूँ कि वो पीछे से तो नहीं आएगा, तो देखा तो पीछे से बिल्कुल भी नहीं आ रहा है फ्रेंड्स। तो मैं अब जैसे ही आगे बढ़ा फ्रेंड्स, जैसे ही आगे बढ़ा तो एक्सेक्ट लोकेशन फ्रेंड्स यहीं पे समोन का ऑप्शन है। तो मैं भटक से बढ़ा, उसके बाद फॉलो द बॉक्स फ्रेंड्स, देख लो अब फॉक्स एकदम मैजिकल बॉक्स फॉक्स निकला है और मैं उसका पीछा किया,
मस्त है यार। और मैं जैसे जैसे फॉक्स जा रहा है मैं वैसे वैसे गया और यहाँ पे ओ भाई साहब मिल गया। अब ये लो निकला रूप का खजाना, मुझे मिल जाना। तो फ्रेंड्स मुझे मिल गया है। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप देख लो क्या लोकेशन है, एकदम क्या माइंड ब्लोइंग, एकदम लग रहा है समुराई का गेट है। तो फ्रेंड्स चाइना का गेट है, एकदम बहुत ही मस्त है। तो फ्रेंड्स आपने देखा कि मैं किस टाइप से, किस तरीके से, किस प्रोसेस से मैं वहाँ पे आया, और मैं आते रहा, फटक से आया और मुझे मिल गया। तो अच्छी बात है फ्रेंड्स, कोई दिक्कत नहीं हुआ, बहुत ही अच्छा है। तो मैं लास्ट में आपको खोल के भी दिखाऊंगा उसमें मुझे क्या मिला है फेरल फॉक्स में। तो आप देख सकते हो ये आर पार हो जाने वाला चीज़ है, बट बहुत ही मस्त है यार। रूप का खजाना बहुत नीचे दबा होता है और नीचे से निकलता है। ओह माय गॉड, माइंड ब्लोइंग फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त है। ये भी ट्रेजर बॉक्स टाइप का है, लेकिन उससे भी बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें बहुत टाइम लगता था, बट इसमें आपको टाइम नहीं लगेगा। आप एक बार जैसे सुमन को भरोगे, उसके बाद एक मैजिक फॉक्स निकलेगा, उसके बाद आपको उसका पीछा कर रहा है, वो जहाँ जाएगा आपको वहाँ जाना है, उसके बाद आपको ये रूप का खजाना मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो फ्रेंड्स, एक्सेक्ट लोकेशन यही है ना फ्रेंड्स। मैं जैसे ऊपर से आया तो मुझे यहीं पे मिला है, सॉरी नीचे, थोड़ी बहुत नीचे। तो बहुत अच्छी बात है, मुझे मिल गया है। तो आप भी इसी प्रोसेस से जाना, आपको भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स जल्दी जल्दी कमेंट करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि फिर से नेक्स्ट लोकेशन की वीडियो में आपके पास बना करके लेकर के आऊँगा, और आप भी उस प्रोसेस से जा करके आप भी अपना ट्रेजर बॉक्स को कलेक्ट कर पाओगे। तो फ्रेंड्स मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी बहुत, यहीं पे लोकेशन है, यहाँ पे देख लो फ्रेंड्स, यहीं पे है लोकेशन, देख लिया? तो आप भी यहाँ पे आना और अपने ट्रेजर बॉक्स को कलेक्ट कर लेना। तो फ्रेंड्स अब मैं यहाँ पे लैंडमाइंस लगाया और अपने आप को एलिमेट किया, फटाक बूम, मैं एलिमेट हो चुका हूँ। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मुझे क्या मिला है। तो फ्रेंड्स ये देख लो, पैलेट का फेरल बॉक्स मिल चुका है मुझे, और मुझे, मैं आपको इसको ओपन करके भी दिखाऊंगा कि मुझे इसमें फर्स्ट फेरल बॉक्स में क्या मिला है। बहुत ही अच्छी बात है फ्रेंड्स कि मैं अच्छे तरीके से, नो फाइट, उतना फाइट भी नहीं हुआ है, बहुत अच्छे तरीके से मैं ले पाया। तो फ्रेंड्स मैं करता हूँ बैक, उसके बाद में जाकर के दिखाऊंगा आपको कि क्या मिला है मुझे। गेस करो फ्रेंड्स कि मुझे क्या मिला होगा। तो जल्दी जल्दी कमेंट में बता देना, जरूर बता देना। तो अभी मैं आ गया और मैं आपको उस बॉक्स को ओपन करके दिखाऊंगा कि क्या मिला है मुझे। बहुत ही सरप्राइज, बहुत ही एक्साइटेड है फ्रेंड्स कि फर्स्ट बॉक्स में मुझे क्या मिलने वाला है। तो मैं आया कैरेट में, कैरेट के पास आया, ये बॉक्स आप देख लो फ्रेंड्स, यही बॉक्स है। ओ माय गॉड, क्या होगा फ्रेंड्स, फर्स्ट है, बहुत अच्छी बात है। तो फ्रेंड्स आपको अच्छा लगेगा, तो मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ कि क्या है नहीं है, तो आपको भी अच्छा लगेगा कि चलो भाई फर्स्ट में आए, बहुत सारा कुछ मिला। तो फ्रेंड्स आप देखते हो, एक मार्क्स मिला, एक बैडेज मिला और एक लूट बॉक्स मिला मुझे। तो बहुत अच्छी बात है फ्रेंड्स। तो अब भी जाओ फटाफट इस वीडियो के प्रोसेसिंग को देखो और फटाफट जाओ और आप भी कलेक्ट करो उस बॉक्स को, और सब्सक्राइब जरूर कर देना, दोस्तों में शेयर जरूर कर देना। अगली लोकेशन के लिए मैं आऊँगा, अगली लोकेशन।